नमस्कार दोस्तों, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा के मायने अब पूरी तरह बदल गए हैं। पहले शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने का एक माध्यम हुआ करता था, अब यह संपूर्णता की ओर बात बढ़ने लगी है। दिशाएं में आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप और स्टार्टअप की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर एपी मित्तल। प्रोफेसर मित्तल वर्तमान में मेंबर सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। सर, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा सर हमने अभी शुरुआत में बात कही कि शिक्षा के मायने बदलने लगे हैं, यानी कि शुरुआत में ही आपको तय कर लेना होता है कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, ना कि डिग्री खत्म होने के बाद। और उसके लिए हमारे कोर्स करिकुलम में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप की प्रोविजन रखी गई है, जिसे अब तक विद्यार्थी बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, उसे सिर्फ एक सर्टिफिकेट अरेंज कर लेते थे। इंटर्नशिप क्या है और कितनी इम्पॉर्टेंट है इस इंटर्नशिप की? हाँ पुनीत जी, ये बहुत सही आपने सब्जेक्ट लिया है। इंटर्नशिप जैसा कि नाम ही बताता है कि अपने स्टडीज के बीच में जो हमें गैप मिलता है उसमें हमें क्या करना है जी। इंटर्नशिप का बेसिक मतलब ये है कि अभी हमें अपने आप को तैयार करना है आगे के लिए जी, और जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जो अभी तक पढ़ाई की है, उसकी क्या यूज है, उसको हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमें पता लगता रहे जी। जी, तो ये है इंटर्नशिप। किस तरह से, अभी मैंने सुनने में आया है कि ये इसे मैंडेटरी किया जा रहा है? जी हाँ, हम लोग पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए, लोगों के पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर ये सब लोग एक्सपर्ट्स का विचार बना है कि इंटर्नशिप मैंडेटरी की जाए, जिससे कि लोगों को के दिमाग में ये चीज ना रहे कि हम बेकार की चीजें पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्या उपयोग है और कैसे हम इससे और आगे की शिक्षा ले सकते हैं, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें इंटर्नशिप में पता चलता है। इसलिए इसको मैंडेटरी करने का एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है जी। दोस्तों, जैसा आपने प्रोफेसर मित्तल ने अभी बताया कि इंटर्नशिप कितनी जरूरी है कि पॉलिसी मेकर्स को इसे मैंडेटरी करने पर विचार करना पड़ा है और उसके लिए सुझाव भी आया है, लेकिन कोई भी बात मैंडेटरी होने की बजाय मन से की जाए तो उसके परिणाम ज्यादा अच्छे हासिल होते हैं। ये किस तरह, मतलब अगर दर्शकों के मन में या विद्यार्थियों के मन में ये बात घर कर जाए कि भाई ये क्यों और किस तरह से लाभप्रद होगी, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी हाँ, तो जैसा मैंने अभी बताया, इंटर्नशिप जो है वो ये है कि हम कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हम बेकार की चीजें पढ़ रहे हैं या हम इतना बोर होने लगते हैं अपने सब्जेक्ट से, तो उन सब के बारे में हम उनकी क्या यूटिलिटी है इसके बारे में एक, तो हमें इंटर्नशिप जब हमें पता लगेगा कि अरे इंटर्नशिप में जाएंगे तो हमें ये पता लगेगा इनकी क्या यूटिलिटी है, या कैसे हम आगे की जो हमारी पढ़ाई है उनमें कैसे इनको यूज कर सकते हैं, ये सब बातें हमें इंटर्नशिप में, जो हम बीच में ट्रेनिंग लेंगे एक महीने की या दो महीने की, उसमें हमें ये सब बातें पता लगती हैं। स्किलिंग से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है। जब बच्चे को ये पता लगेगा, स्टूडेंट्स को ये पता लगेगा कि ऐसा है, तो उसमें भी एक उत्सुकता होगी कि ठीक है, मैं जाकर के देखता हूँ क्या होता है जी। तो दोस्तों, बात जैसा पिछले दो वर्षों में स्किलिंग की माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी जोर देकर के बात रखी है और एम्प्लॉयबिलिटी की भी, एनहांसमेंट की भी बात हो रही है, तो सीधी बात जुड़ जाती है आपके स्किल सेट से, और स्किल सेट तब आता है जब आप में कुशलता होती है। कुशलता कब आती है? जब आप हाथ से काम करते हैं। तो हाथ से काम करने की प्रक्रिया जो है वो इंटर्नशिप के जरिए हासिल की जाएगी। हाँ जी, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना कौशल विकास योजना, इसके लिए, क्योंकि जब हमें पता है कि हम अपने आप ये काम कर सकते हैं। कई बार ये होता है, जैसे हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ कोई छोटी सी चीज़ खराब हो गई और हम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हम मैकेनिक बुलाते हैं बाहर से। इंटर्नशिप वगैरह में या इन सब चीज़ों में ये विश्वास दिलाया जाता है कि ये सब चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। से हमारे घर में छोटा पंखा खराब हो गया, इमीडिएट उस समय एकदम मैकेनिक बुलाएं। जब आप पढ़ रहे हैं तो हमें ये थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि इसको खोल देखूं तो क्या कर सकता हूं मैं जी। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन तक तो कम से कम पहुंचे, पहली स्टेज तो पहुंचे। उससे जब एक वो विश्वास आएगा तो हम फिर कोशिश करेंगे
कोशिश करेंगे तो उसी से स्किल डेवलपमेंट भी होगी हमारी, हमारे अंदर एक विश्वास आएगा कि हम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बात आती है तो वो एक किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होने की बात रखता है, तो वो शिक्षा की बात अधूरी रह गई कि आत्मविश्वास ही नहीं बिना। तो रास्ता इंटर्नशिप के जरिए ही जाएगा, और जो लोग भी ये गलती कर रहे हैं कि खाना पूर्ति कर लेते हैं वो वैसा बिल्कुल भी ना करें, इसे पूरी तन्मयता के साथ में करें। और चूंकि भारत सरकार AICT के माध्यम से ये पुरजोर कोशिश कर रही है, ये किस तरह की कोशिश है इसमें, किस तरह के नए इनिशिएटिव्स इसमें आ रहे हैं ये हम सर से अभी जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम हमारे तमाम युवा साथियों का स्वागत करते हैं। आपका दिशाएं में बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे अनुरोध करते हैं अपना नाम और संक्षिप्त में सवाल पूछें। जी पहला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम अपूर्व है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंटर्नशिप जो कि आज की टेक्निकल और ग्रेजुएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, AICT उसे प्राप्त करने में किस तरह से मदद करता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। AICT इंटर्नशिप को बढ़ावा देने के लिए हम अलग अलग कंपनीज के साथ MOUs साइन कर रहे हैं। कुछ एक जैसे कंपनी है इंटर्नशाला, वो उनके साथ बहुत सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं जो इंटर्नशिप देती हैं, और भी सीधे हम कुछ कंपनियों के साथ MOU कर रहे हैं कि वो हम बच्चों को स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दें, और ऐसे ही इंटर्नशिप ना दें उसमें कुछ उनको स्टाइपेंट भी दें जिससे कि उनका ध्यान रियल में उनको काम करने में लगे। जी यानी न केवल फ्री सीखने का मौका मिलेगा उल्टा कुछ उन्हें मानदेय भी मिलेगा। हाँ, और वो रेगुलेटेड होगा, कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। यस जी जी, ये बहुत अच्छी पहल है कि आपको अगर एक ऐसा पोर्टल मिल जाए जहां पर आपको तमाम कंपनीज की जानकारी हो और वहां से आप उन कंपनीज को डायरेक्टली अप्लाई कर सके, और वो अगर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुरूप आपको पाते हैं तो आप डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। और भी नए कुछ इनिशिएटिव्स AICT ने इसमें लिए हैं, आप जैसा भी जिक्र कर रहे थे कि दूसरी कंपनीज भी अभी जुड़ रही हैं। हाँ, मतलब हमने दूसरी कंपनियों के साथ बहुत कंपनियां हमारे पास आ रही हैं MOU साइन करने के लिए, क्योंकि हम उनको कंपनियों को हम ये बता रहे हैं कि यंग माइंड कितना क्रिएटिव होता है और आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है। यंग जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो जब आपके पास इंटर्नशिप के लिए आएंगे तो आपका काम तो वो करेंगे ही, कई बार उनके विचार ऐसे होते हैं जो आपको आपकी तकनीक इम्प्रूव करने में यूजफुल हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि क्रिएटिविटी किसी के पास में हो सकती है, और बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस लोग भी वो सोल्यूशन नहीं जनरेट कर पाते हैं जो एक यंग माइंड जनरेट कर लेता है। दोस्तों जो मेरे दृष्टिकोण में जो इस तरह की जो समस्या थी, जो बच्चे शॉर्टकट इस्तेमाल करते थे सर्टिफिकेट अरेंज करने का, या कहीं बहुत कम दिन जाकर के कारगुजारी कुछ कर ली, उसकी बड़ी वजह यह भी होती थी कि सूचना का अभाव। उन्हें ये जानकारी होती नहीं थी कि उनके आसपास के क्षेत्र में कौन सी कंपनीज हैं, किस तरह के लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स हैं, और उनको रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। जी हाँ, तो वो आप अब डिजिटल इंडिया का पूरा लाभ लें, इंटरशाला वेबसाइट पर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करें और उससे सीधे आप जुड़ सकते हैं। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम रशिता मारू है। मेरा सवाल आपसे यह है कि इंटर्नशिप में इंटरशाला किस तरह से मददगार होता है? हाँ, जैसा कि अभी मैंने बताया, इंटर्नशाला के साथ हमने एक इंटर्नशाला एक कंपनी है जो कुछ यंग ग्रेजुएट्स ने स्थापित की है, उन लोगों ने हमारे साथ MOU किया है। वो अलग अलग बहुत सारी कंपनीज के साथ ये वो टाई कर रहे हैं जी, कि वो इंटर्नशिप प्रदान करें, इंटर्नशिप दें स्टूडेंट्स को। तो इंटर्नशाला के साथ करीब 400 और कंपनियां जुड़ी हुई हैं जो इंटर्नशिप दे रही हैं, तो इंटर्नशाला एक माध्यम है जो अलग अलग कंपनीज में पहुंचाने का। जी एक बहुत अच्छी पहल है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि आपको बहुत दूर जाने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। पहले एक बड़ी मजबूरी रहती थी कि भाई आसपास कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है जी, तो आप अप्लाई कैसे करें। हाँ जी, अब वो एक आवश्यकता पूरी तरह से आपको इस वेबसाइट के जरिए पूरी की जा सकती है। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम निपुन गोयल है, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ESI किस किस तरह की इंटर्नशिप ऑफर करता है? ECI एजुकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया। ECI बेसिकली डिफरेंट कंपनीज में इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जैसा कि इंटर्नशाला उसी तरह एक ECI भी एक कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म है जी, जो इंटर्नशिप अलग अलग तरह जिस आपका क्या वो ये देखता है कि बच्चा किस तरह की इंटर्नशिप चाहता है, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है,
और उसी तरह से फिर उस कंपनी में उसको भेज जाता है। जी, बस फर्क इतना सा है कि ईसीआई की जो इंटर्नशिप है उसमें आपको पे करना पड़ेगा। पे करना, ईसीआई जो है बाकी कंपनियां इंटर्नशाला जो दिलाती है उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, ईसीआई के थ्रू अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन उनकी चूंकि वेल डिफाइंड ट्रेनिंग होगी, नए मॉड्यूल्स होंगे, सीरियस ट्रेनिंग होगी आपकी, और ये डायरेक्टली वो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है जॉब के लिए भी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सर, माय नेम इज आयुष तोहालकर एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, देर आर नाउ डेज सो मेनी एप्लीकेशंस दैट आर बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटर्नशिप एंड प्रोग्राम्स, सर सर आर दिस फेक और रियल और हाउ टू आइडेंटिफाई देम? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इंटर्नशाला जैसे है वो तो एक हमारी है ही, जो कुछ फेक भी आई हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको वेबसाइट पे जब आप जाकर के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अपना विवेक को का इस्तेमाल करना पड़ेगा चेक करने के लिए। साथ ही आप किसी और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें अगर अप्लाई करें तो कैसा रहेगा। ये ऐसा एक क्वेश्चन है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है इस डायरेक्शन में, तो जब कोई चीज़ शुरू होती है तो कुछ फेक लोग भी आते हैं बीच में, लेकिन ज़्यादातर बहुत से लोग रियल हैं और हम कई दूसरी कंपनीज के साथ भी हम MOU करने का प्लान कर रहे हैं। जी, तो दोस्तों सबसे पहले की बात को कि आंख बंद करके नहीं, आप जब सब्जी भी लेने जाते तो खुली आंख से लेते हैं, आप एक नहीं तीन चार ऑप्शंस ट्राई करते हैं। तो सिमिलरली जब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और अगर आपको पेड ट्रेनिंग करने की आवश्यकता महसूस हो रही है या ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको पेड ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी, तो ऐसे में आप अपने लिए बेस्ट चूज करें, कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, लोगों से मिलें, पर्सनली विजिट करें, जो सीनियर स्टूडेंट्स वहां पहले पढ़ चुके हैं या वहां से ट्रेनिंग ले चुके हैं उनसे इंटरेक्शन करें, ये जानकारी लेने की कोशिश करें कि वहां की ट्रेनिंग के बाद में जॉब प्लेसमेंट के लिए किस तरह का कोई बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है। मुझे लगता है इतने एक्सरसाइज के बाद में आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये जगह ऑथेंटिक है या नहीं है। अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम अंकुर है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अगर मैं इंटर्नशाला वेबसाइट पे अप्लाई करता हूँ तो किस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन होगा? जी हाँ जी, महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिस इंटर्नशाला पे आप जब अप्लाई करेंगे तो आप वो कुछ ऑप्शन पूछेंगे आपसे कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्या किस तरह का काम करना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे कुछ ऑप्शन हैं उनके पास, उसके बेस पर वो डिसाइड करेंगे कि इसको किस डायरेक्शन कहाँ पर भेजना है, किस कंपनी में इसको इंटर्नशिप के लिए भेजना है। जी, तो आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस करें, यानी कि आपकी करियर ओरिएंटेशन किस तरफ है, आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, मसलन सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो सिविल में फील्ड वर्क भी है, डिजाइनिंग भी है, कॉस्ट एस्टिमेशन भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई विच एरिया यू वॉन्ट टू गो फॉर। अपना CV जब तैयार करें उसमें ठीक से अपनी सारी बातें लिखें, क्योंकि जब आपको कोई व्यक्ति स्टाइपेंड देने की बात रख रहा है तो आपके लिए यूटिलिटी होनी बहुत जरूरी है और आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर दो बातें आप मूल तौर पर एक्सप्रेस कर ठीक से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। ये तो बात रही सर इंटर्नशिप की, जो कि अल्टीमेटली एक स्किल एनहांसमेंट का एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है, जो पहले शॉर्टकट था, जो बच्चों ने जबरदस्ती शॉर्टकट बना लिया था, पॉलिसी तो पहले भी थी, लेकिन अब बात हमें ऊपर लेके जानी पड़ेगी। शिक्षा जो हम बात कर रहे थे जॉब के लिए नहीं है, इवॉल्व करने के लिए है। आप प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई करें, उनके सोल्यूशन लेकर के आए, तब कुछ बात तरक्की की बनेगी, खुद की, समाज की और देश की भी। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्टार्टअप इंडिया की पहल की थी। ये स्टार्टअप इंडिया के बारे में विस्तार से जानकारी। हाँ, स्टार्टअप इंडिया जैसा कि नाम ही बताता है कि नई चीज को स्टार्ट करना, हम जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बने, वो है स्टार्टअप। जी, जो हम कुछ नया ऐसा अपनी एस्टेब्लिशमेंट शुरू करें जिसमें हम लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकें, लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकें और कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकें, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें, तो ये स्टार्टअप है। इसके बेसिक ये है क्योंकि कुछ इसके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उन सबको पूरा हमें स्टडी करके तब स्टार्टअप के लिए जाना चाहिए। जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चा 11वीं में कोई विषय चुनता है तब माँ बाप के मन में एक ख्वाहिश होती है कि भाई इसको ये विषय चूज करना चाहिए, ये बनेगा, इस तरह की नौकरी करेगा। जो समाज में एस्पिरेशंस चारों तरफ अवेलेबल हैं वो हम उसे ट्रांसफर करने की कोशिश में रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चूंकि यात्रा आसान नहीं है, दुर्गम है,
तो पेरेंट्स को किस तरह से हम मानसिकता उनकी तैयार करें या उनका ब्रेन वॉश करें कि भाई अब बात नौकरियों में सैचुरेशन की हो गई, कुछ नया करना पड़ेगा, पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को ही अपने बच्चे को, जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की एबिलिटी को लाना चाहिए कि वो अपने आप काम कर सके। उसको एक ऐसी वो दें, उसको काम करने के लिए कहें कि जिसमें वो खुद डिसीजन लेकर के काम कर सके। तो जब वो मेंटेलिटी डेवलप होगी बच्चों में तो उनमें फिर एक एनालिसिस एनालिटिकल मेंटेलिटी डेवलप होगी कि मैं अगर अपने आप कोई काम करूं, कोई चीज़ बनाऊं, तो क्या क्या रिस्क है और कहां कहां मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें जब वो एनालाइज करने की उसमें शक्ति डेवलप होगी तब तो पेरेंट्स को तो मैं मेन यही कहना चाहूँगा कि वो बच्चों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप करें और साथ में उनके साथ ये भी रहें कि ठीक है अगर तुम फेल होते हो तो हम हैं। जी जी, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने में बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, बैकअप के लिए वो हैं। ये नहीं कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम सब कुछ खत्म हो गया। जी, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही, अगर हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो उसका बीज घर से शुरू होगा, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइज, यानी कि आप बच्चों को पूरी लिबर्टी और फ्रीडम दें कि वो अपने आसपास की चीजों को ठीक से छू सके, खोल के देख सके, जो प्रॉब्लम है, खराब हो गया, उसे रिपेयर कर सके, रिपेयर करने की कोशिश कर सके, क्योंकि वो कोशिश ही एक विफल कोशिश ही अंततः सफल कोशिश में कन्वर्ट होगी। और कहीं भी उस पर ये बोझ डालने की कोशिश ना करें कि भाई तुम ये कर रहे हो गलत हो सकता, गलत हो गया तो फिर क्या करोगे। जी, तो उसे लेट हिम चूज, लेट हिम एक्सप्लोर। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले जरूरी है, ऑब्जर्वेशन की शुरुआत होगी एक्सपोजर से, नए लोगों से मिलने मिलाने से, नए इंस्टीट्यूशंस में जाने से, नई गतिविधियां देखने से। तो नई चीज को छूने की या जानने की प्रवृत्ति है, सबसे पहले वो जरूरी है, उसे वो करने दें, उसे रोक टोक ना करें। जी, और सेफ गेम की जो धारणा बनी हुई है सोसाइटी में, पहले ये पढ़ लो, फिर ये कर लो, फिर जीवन सफल हो जाएगा, सफलता उसके मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाता है कि आप किस पद पर हैं, आप समाज के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने अपने आप को इवॉल्व कितना किया है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स ही ज्यादा सफल हैं, जिनकी परिवार में कोई बैकग्राउंड ही नहीं थी बिजनेस की, सर्विस कर रहे थे या कुछ भी नहीं कर रहे थे, और वो अचानक से उनके मन में कुछ विचार आया, और तो वो धारणाएं खत्म हो चुकी हैं कि आप बड़े करोड़पति घराने में पैदा होंगे तभी आप स्टार्टअप के लिए हैं, या आपका बिजनेस है तो ही आपको सोचना चाहिए। इसलिए टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जमाना है, तो इसमें जो भी व्यक्ति दक्ष होगा वो भरपूर काम कर सकेगा, और शुरुआत घर से होगी। कुछ देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि क्रिएटिविटी के लिए रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी लेना बहुत जरूरी है। किसी भी क्रिएटिव चीज को पाने के लिए, कोई नई चीज हमें डेवलप करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उस रिस्क का बैकअप क्या है ये हमें साथ में देखना है। तो ये सब भी एनालाइज करना है कि रिस्क हम किस लेवल तक का ले सकते हैं, कहां तक का रिस्क ले सकते हैं। तो ये सब चीजें स्टार्टअप हम जब शुरू करें उसके, जी उसके बहुत सारे गेम्स भी इस बारे में अवेलेबल हैं जो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को, एरर करेक्शन की एबिलिटीज को बताते हैं। और आज इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी चीजें आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये सिमुलेशन बेस्ड गेम भी आप देख सकते हैं। ईडीआई अहमदाबाद भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां ट्रेनिंग भी, या इस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने बहुत सारी उन्होंने ऑर्गेनाइज की है और करते भी रहते हैं। स्टार्टअप के बारे में उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। हम AICT भी कुछ प्रोग्राम्स, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे डेवलप कर रहा है, शायद अभी कुछ समय में ये मॉड्यूल्स आ जाएंगे, वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे कब कब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम जॉब मार्केट की बात करें जी, और वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, यानी कि स्टार्टअप की बात करें, तो क्या रुझान, क्या स्कोप आपको आगे नजर आता है? देखिए, जहां तक जॉब मार्केट का सवाल है, बच्चों का और पेरेंट्स का स्पेशली मेन प्रेफरेंस ये रहता है कि जॉब में बच्चा सेटल हो जाए जल्दी, उसको जल्दी सेफ गेम मिल जाए। लेकिन साथ ही एक जॉब मार्केट है, एक लिमिटेड उसमें इनकम है, इन ग्रोथ के चांसेस भी लिमिटेड हैं। अपना स्टार्टअप है वो इनफाइनाइट है, जीरो टू इनफाइनाइट रेंज पर, नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो ऊपर जाने के लिए बहुत स्कोप है। तो अब वो हमें बच्चों को
खुद ही एनालाइज करना है कि वो कहाँ जाना चाहिए, और पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि अगर बच्चे में कुछ एबिलिटी है या कुछ क्रिएट करने की इच्छा है तो उसको दबाएं नहीं। जी, हम जैसा अगर जीडीपी की हम बात करें तो क्या प्रतिशत मान के चलते हैं, और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो एक आंकड़े के तौर पर क्या कहा जा सकता है? अभी का जो आंकड़ा है मेरे हिसाब से शायद अबाउट 8% जीडीपी है हमारी स्मॉल एंड मीडियम स्टार्टअप के जो कंट्रीब्यूशन, यस, और अबाउट 1.3 million पीपल आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसको हमें और बढ़ाना है, क्योंकि ये 1.3 मिलियन तो एक बहुत छोटी फिगर है। जी जी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, जब ये एंटरप्रेन्योरशिप हमारी बढ़ेगी, स्टार्टअप का वो क्रिएटिविटी होगी, तो तभी हमारे पास जॉब्स भी ज़्यादा आएंगे। अभी जॉब्स की भी कुछ हद तक स्केयरसिटी है, तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें खुद जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, और जॉब क्रिएटर बनने के लिए मार्केट्स में बहुत सपोर्ट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सपोर्ट अवेलेबल है, हम लोगों को कुछ थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। जी, अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, लगभग 50 लाख स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया में हैं, जो मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अभी काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप रोजमर्रा के जीवन में भी देखें, आपके घर पर एक फ्यूज रिपेयरिंग करने वाला, एक कूलर का स्विच रिपेयर करने वाला कम से कम 300 रुपये पर विजिट ले लेता है, यानी एक 15 मिनट के काम में उसने कमाया इतना, और दिन भर उसके पास कम से कम 10 से 15 क्लाइंट तो कम से कम होते ही हैं। और आपको वेटिंग करनी पड़ती है, आप वो कहता है कि मैं परसों आऊंगा या इस तारीख को मैं अवेलेबल हूँ। ये छोटा सा एक उदाहरण है आप चूज करने के लिए। ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम हैं जिनको आप अभी हम देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं पढ़ने के बाद सरकार हमारी सुध लेगी, हमारे लिए नौकरियां निकालेगी, या कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो हम जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन नया कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपने आप को बांध लिया है, डिग्रीज में अपने बांध लिया है। हमने अपने आप को कि हम तो ये इस तरह का जॉब मिलेगा तभी हम जाएंगे। जी जी, तो हमें देखना है कि कहाँ छोटे से छोटे में भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर कोई काम हम खुद कर सकते हैं, 5 मिनट सोच करके उसको देख कर सकते हैं, तो खुद कर लेना चाहिए, ना कि दो दिन तक उसकी मैकेनिक की वेट करें। और अभी तक हम जितने भी स्टार्टअप्स के देखें तो उन्होंने प्रॉब्लम एरियाज से ही शुरू की, उन्हें खुद को कोई समस्या आई और उन्होंने उसका निदान देखा और फिर उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर के आकर के पूरे समाज को, बिल्कुल सही कहा पुनीत जी, और खुद के लिए भी एक अच्छा करियर डेवलप किया। आगे की तरफ बढ़ते हैं सवाल की तरफ। नमस्कार सर, मेरा नाम पुलके सचदेवा है। मेरा सवाल ये है, किन किन नए क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक पिछले जो 5-7 साल में देखा है आईटी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में अभी तक बहुत चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी सैचुरेशन आ रहा है काफी। तो इसलिए मेरे हिसाब से शायद एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन लें तो इलेक्ट्रॉनिक्स हर फील्ड में अपना इम्पैक्ट दे रही है। इवन सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो तो मैकेनिकल ओरिएंटेड जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ मैकेनिकल या इसे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं जो इनमें स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा एक उभर के आ रही है बात वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज़्यादा है। निश्चित तौर पर जब जीवन का अभिन्न अंग है, हम सुबह से लेकर देर रात तक जो भी काम करते हैं सब में इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं है। जी जी, तो दोस्तों प्रॉब्लम एरिया की मैं बात कर रहा था, जैसे जब हम ट्रेन में सफर करते तो खाने की समस्या लोगों को आती थी कि हर ट्रेन में बोगी नहीं होती थी जहां खाना अवेलेबल हो, स्टेशन का खाना उन्हें स्वीकार नहीं था, तो किसी ने एक एप्लीकेशन बेस्ड डेवलप किया और आप खाने का ऑर्डर आप कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, आपको फूड अवेलेबल हो जाएगा। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, क्वालिटी भी अश्योर उसने की, बेहतर खाना भी प्रोवाइड किया। तो बात छोटी सी थी खाना खिलाना, पर खाना कहाँ खिलाना है उसकी वजह क्या है कि वो लोगों को यात्रा के दरमियान असुविधा होती है। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम एरिया पकड़ा और एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आया, खाना ऑलरेडी हो सकता है कोई और बना रखा हो, उससे टाइप किया, सब्सिक्वेंटली जब आपके पास कस्टमर्स हो तो आप खुद भी शुरू कर सकते हैं, सप्लायर बन गया जी। और देख सकते हैं आप एक पहल की, भारत सरकार ने भी सपोर्ट किया
और उसे तुरंत रेलवे के साथ ऑफिशियली से जोड़ लिया। इस तरह कुछ भी हम क्रिएटिविटी, कोई भी चीज जो एक जनरल हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हम अपना एक जॉब क्रिएटर बन सकते हैं, इसमें जॉब बहुत क्रिएट किए जा सकते हैं, तो ये तो सोच, जब हम सोचेंगे थोड़ा सा रिस्क, तो हर चीज मैंने शुरू में ही कहा कि रिस्क तो लेना पड़ता है, कि कहीं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्क इतना बड़ा भी ना हो कि बिल्कुल टूट जाए। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क जरूरी है, ये सब चीजें देखना है जी। तो इवैल्यूएशन की बात कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ये अभी चर्चा में आगे लेंगे। फिलहाल लेते हैं अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशी जैन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि स्टार्टअप शुरू करने का प्रोसीजर क्या है। जी, अभी हमने जैसे डिस्कस किया, स्टार्टअप जब हम शुरू करेंगे तो एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम फाइनेंस कितना, सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट क्या हम करना चाहते हैं जी, उसके लिए फाइनेंस क्या चाहिए। ऑफकोर्स देर ऐसे सलाहकार बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में, जो आपको बताएंगे कि किस फील्ड में इस तरह आपको करेंगे तो इतना आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और वो एक्सपेंडिचर आप कहाँ से लाएंगे, आपके पास कितना खुद का है, या कितना आप लोन ले सकते हैं, या दूसरी जगह से कितना आप क्रिएट कर सकते हैं एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें सोच करके स्टार्टअप शुरू करना पड़ेगा आपको जी। खुशी, आपके लिए सबसे पहला जरूरी काम है, भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट शुरू की है, उसमें 4 हफ्ते का एक कोर्स है। यस, ऑनलाइन कोर्स। यस, मेरे ख्याल से वो फ्री है। हाँ, वो ऑनलाइन फ्री कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर प्रोवाइडिंग दिस ट्रेनिंग, और उसमें हाउ टू डेवलप योर स्टार्टअप, हाउ, उसमें बेसिक स्टार्टअप के बारे में सब कुछ जानकारियां हैं जी। तो स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, और 4 हफ्ते तक बहुत सारे लेक्चर वीडियोस हैं, नोट्स भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं, उन्हें अटेम्प्ट करें। या वो करने के दरमियान आपको, और बहुत सारा पूल है वहां पर, डेटाबेस भी अवेलेबल है, आपको किसी भी स्टेज पर क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो आप उनसे राय ले सकते हैं। वहां आपको पूरी लीगल ओपिनियन भी मिलेंगी, आपको किस तरह के रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे जो लीगल मैटर्स हैं, बिजनेस डेवलप करने के आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा कि आप अपने आइडिया को किस तरह से आगे बिजनेस का मूर्त रूप कैसे दे सकते हैं, और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, यानी कि एक बिजनेस को शुरू करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं वो सारी जानकारी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के दरमियान मिल जाएगी घर बैठे। और सबसे खास बात यह है कि भारत सरकार ने इसे निःशुल्क ऑफर किया है। आप कुछ बता रहे थे सर अभी शो से पहले, कुछ नए मॉड्यूल्स इसमें जोड़ने की बात है। हाँ, अभी हम AICT भी कुछ डेवलप कर रही है, स्टार्टअप इंडिया हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था नवंबर में, हमारे राष्ट्रपति जी ने इसको इनॉग्रेट किया था नवंबर 2016 पिछले साल, और इसमें हम काफ़ी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं इस तरह के, कि जिससे स्टार्टअप में जो आपका सवाल था कि कैसे शुरू करना है, कहाँ, तो ये सब चीज़ें, सब सवालों का जवाब उस मॉड्यूल्स में मिलेगा। बस सबसे जरूरी बात यह है कि अब अपने लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल इंटरटेनमेंट से छोड़ दें अब, और जो जरूरी काम है भारत सरकार की जो नई नीति आ रही है, कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा उन वेबसाइट्स को ब्राउज करना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन आप जरूर लीजिए, हो सकता है वो आपके काम की ना हो, आपके दोस्त के काम की हो, समाज में ऐसे बहुत सारे दूसरे लोग हैं, और जब ये मदद का सिलसिला बढ़ेगा कि आपने किसी और की मदद की, तो उसे भी जब कभी आपके काम की कोई चीज मिलेगी वो आपके साथ शेयर करेगा। सो आपके साथ जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, स्प्रेड करेंगे, आप ये बात बिल्कुल भी मत दिमाग में लाइएगा कि नहीं मुझे जानकारी मिल गई है तो मैं मुट्ठी बंद करके रख लूं, वो सिर्फ आपका ही नुकसान करेगा, उससे किसी का भी भला नहीं होगा। सर, सबसे पहली जो मुझे लगता है मुख्य समस्या जो आती है किसी भी विद्यार्थी को, करने का जील खूब है, चाहता भी है कि मैं कुछ नया करूं, बड़ा करूं, जी हाँ, लेकिन आइडिया जनरेशन जो है वो नहीं हो पाता, ये आइडिया की खोज कैसे की जा सकती है, और एकेडमिक्स किस तरह से इसमें मददगार हो सकता है। देखिए, आइडिया की खोज तो जब हम डिस्कस करेंगे दोस्त, मैं तो कहता हूं कि दोस्त फ्रेंड सर्किल एक ऐसा है जो जब 4 लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपने घर से देता हूं, मेरे दो बेटे हैं, और जब आप तो खैर वो दोनों एस्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन जब वो छोटे थे तो बैठ करके आपस में बातें किया करते थे कि मैं ये बनाऊंगा, मुझे ये इंडस्ट्री डेवलप करनी है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो है, देखना पड़ेगा मुझे कैसा करना है, तो उनकी जो बातें बहुत अच्छी होती थी सुनने के लिए। तो इस तरह से जब बच्चे आपस में बैठ करके बातें करते हैं तो नए नए आइडियाज आते हैं उनके दिमागों में, कई बार उनकी बातों से हमें कुछ आइडियाज मिलते थे,
तो इस तरह मैं कहता हूँ कि जब चार फ्रेंड्स आपस में बैठते हैं तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो आपस में डेवलप डिस्कस करें अपने माँ बाप से, अपने टीचर्स से, अपने और जो आपके सोसाइटी में जो लोग आसपास लोग हैं उनसे डिस्कस करें कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाएं, तो वो आपको कुछ सलाह देंगे, तो उन सबको एनालाइज करेंगे आप, तो कुछ ना कुछ निकल के आता है। तो सबसे पहली जरूरत है नेवर से नो, यस, नेवर डाई, जील और आत्मविश्वास से आप अपने तरह से विश्वास भरे हुए हों, प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन की आप में एनालिसिस होना जरूरी है और उसके बाद का काम बिल्कुल आसान है। ये दो तीन मुख्य बातें आपकी सिर्फ अपनी आप चाहिए, उसके बाद भारत सरकार की जो पहल है स्टार्टअप इंडिया, वहां पर जाएं, ट्रेनिंग लें, आपको वहां बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे, एंजल फंडर्स मिलेंगे, एंजल फंडिंग की भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक अगला सवाल लेते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अर्चित शर्मा है। मैं जानना चाहूंगा, जैसे आजकल स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं तो वो कुछ दिनों बाद बंद हो जाते हैं, तो यूथ स्टार्टअप्स क्या गलती करते हैं? हाँ, फेलियर रेट भी काफी ज्यादा है। वही मैंने शुरू में कहा था, रिस्क टेकिंग अप्रोच, रिस्क तो है लेकिन जब हम रिस्क आउट ऑफ द वे जाकर के ले लेते हैं, हमें ये सब एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ तक हम जा सकते हैं और अगर ये चीज नहीं चल रही है तो इसको कैसे मॉडिफाई करें कि हम सर्वाइव करें। ये नहीं कि हमने एक कोई चीज शुरू की उसमें थोड़ा सा फेलियर हुए तो वी हैव टू बी सो कॉन्फिडेंट कि अगर ठीक है इसको अगर हम इस तरह से मॉडिफाई करें तो शायद ये सक्सेस मिल जाए। तो हम लोगों को बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए कि यही बनाएंगे या हम ये तो यही बना सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब रिस्क लेना है तो रिस्क लेने के लिए ऑप्शंस खुले रखें और एट द सेम टाइम जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिस्क उतना ज्यादा ना लें कि ब्रेक डाउन हो जाए। जी, यानी प्लान ए के साथ प्लान बी भी दिमाग में जरूर रखना चाहिए कि अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो प्लान बी करना है। और जब भी कभी कूदना हो तो पैराशूट के साथ कूदें, यानी कि आप कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लें, अन्यथा गिरने की पूरी संभावनाएं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही एक वजह है कि सिर्फ जोश के साथ जब काम करते हैं इसलिए जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बहुत ज्यादा है स्टार्टअप्स में। जल्दी एक आइडिया आया और बिना पूरी बात को समझे बबलिंग एनर्जी के साथ में कूदे और तीन महीने बाद बैकआउट भी कर गए जब उसका रिजल्ट नहीं आया। तो आम के पेड़ में बिल्कुल मैंने कहा कि आपको ऑप्शंस जरूरी हैं कि हम अगर ये चीज नहीं तो इसको इस तरह मॉडिफाई कर लें या इसकी जगह ये शुरू कर दें। ये सब चीजें आइडियाज अपने दिमाग में रखना चाहिए, सिर्फ रिजिड नहीं होना चाहिए कि यही बनाना है हमें तो जी। नहीं, कैसे नहीं बिकेगा मैं देखता हूं। तो दोस्तों, मुझे जैसे मित्तल साहब की बात से लगा, सबसे पहले आपको एक आदत अपने अंदर लानी है, वो है डायरी की, चाहे डिजिटल डायरी हो या पेपर पेन वाली। क्योंकि आइडिया तो आपको, ये प्रॉब्लम एरियाज तो समाज में चारों तरफ चलते उठते बैठते नजर आते रहेंगे, आप उन्हें सबसे पहले नोट डाउन करना शुरू करें। यू हैव नो आइडिया कि इसमें से कौन सा वर्क करेगा। वो वर्क करने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ेगी, उस पर अभी हम चर्चा लेंगे। फिलहाल एक अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम अवधि जैन है। सो माय क्वेश्चन इज, हाउ इंक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प अस टू बिल्ड स्टार्टअप्स। जी, ये जी, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आइडिया के बाद किससे बात करनी है जिससे कैलकुलेटेड रिस्क हो। इंक्यूबेशन सेंटर का बेसिक पर्पज यही है कि स्टार्टअप डेवलप करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, क्या क्या कहाँ कहाँ से हेल्प लेनी है, उन सब चीज़ें, वो सब चीज़ें इंक्यूबेशन सेंटर्स पे अवेलेबल होती हैं। कहाँ से आपको सलाह मिल सकती है, कहाँ से आपको उसके बारे में फाइनेंस आप कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से आप उसको मॉडिफिकेशन के लिए, आपका जो आइडिया है उसमें मॉडिफिकेशन अगर ज़रूरी है तो उसके बारे में भी राय वहाँ से मिल सकती है। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये सारे पैरामीटर्स इंक्यूबेशन सेंटर के पास होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। इंक्यूबेशन सेंटर में एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उन एक्सपर्ट्स से आपको पूरी सलाह मिलेगी और वो आपको गाइड करेंगे कि स्टार्टअप जो आप सोच रहे हैं वो सही है या थोड़ा मॉडिफिकेशन उसमें करना चाहिए या उसको किस तरह से आगे बढ़ना है। जी, AICT किस तरह से, ये भारत सरकार की कोई दूसरी संस्था है जो इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश करने में मदद करती है? देखिए, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये जो अहमदाबाद, जी वो लोग भी काफ़ी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। AICT इज आल्सो प्लानिंग इन, हम लोग नॉट ओनली प्लानिंग, वी हैव डेवलप्ड, वी हैव गिवन सम फंडिंग फॉर डेवलपिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स इन सब सर्टेन इंस्टीट्यूट्स। DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो वर्किंग क्वाइट अ लॉट इन दिस फील्ड। सो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करने के लिए काफ़ी फंडिंग की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छी तरह से इसको टेकअप कर रही है और
एक बार आप इस फील्ड में जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको हेल्प नहीं मिलेगी. बहुत एडवाइसेस, बहुत से ऐसे आपको हैंड होल्डिंग के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं. खुशी, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो यही करना है, एक आइडिया डेवलप करने के बाद में आप सबसे पहले किसी इंक्यूबेशन सेंटर, ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद में इंक्यूबेशन सेंटर में आप जाकर के मिलें विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट. डायरी लेकर के जाएं, सिर्फ बात करने से काम नहीं बनेगी, क्योंकि चीजें कागज पे लिखनी होंगी, प्लानिंग के साथ काम करना होगा, तब ये बात आगे बढ़ेगी. और हर राज्य में जहां भी NITs हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं भारत सरकार के, वहां पर इंक्यूबेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है. इंक्यूबेशन बिल्कुल ठीक वैसी ही बात है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो हम इसे एक कैलकुलेटेड एनवायरनमेंट में रखते हैं. प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है जी, जिससे कि उसकी जीवन की रक्षा हो सके. ठीक वैसा ही ट्रीटमेंट यहां पर है. आपको हर स्टेज पर, आपने मैनेजमेंट नहीं सीखा है, आपको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं पता है, आपको लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहां इंक्यूबेशन सेंटर्स पे आपको सारी की सारी सूचनाएं उपलब्ध होंगी. जी अगला सवाल. हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक है. मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी. जी, सबसे बड़ा बैरियर है ये. जी, तो वो जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया, फंडिंग के लिए हमें सोर्सेज देखनी पड़ेंगी. पहले ये तो देखिए, बैंक्स फंडिंग देते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो फंडिंग करती हैं. अगेन, फंडिंग के लिए हमें स्टार्टअप हमारा किस लेवल का है, उसकी बेस क्या है या उसके सक्सेस के चांसेस क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको इंक्यूबेशन सेंटर में या तो वो बताएंगे जो वहाँ पर एडवाइजर्स हैं. जैसा कि अभी पुनीत जी ने बताया, इंक्यूबेशन सेंटर बेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं और वहाँ फंडिंग के बारे में भी वो गाइड करते हैं आपको. जी, और एक एंजल फंडिंग भी होती है. एंजल फंडिंग इसीलिए नाम रखा गया है कि आपके लिए देवदूत की तरह ही होते हैं. तो बहुत सारे एंजल फंडर्स अवेलेबल हैं भारतवर्ष में, जिनको आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर के जाएंगे और वो उस पर यकीन करेंगे तो न केवल आपको फंड प्रोवाइड करेंगे बल्कि आपको बिजनेस डेवलप कैसे करना है, कैसे करना है, वो भी आपको गाइड भी करेंगे. गाइड भी करेंगे जी, पूरा देवता की तरह आपको साथ में जोड़ेंगे. हालांकि इमीडिएट हम एंजल फंडिंग की बात करते हैं तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स और पेरेंट्स की तरफ ही देखते हैं, पर उन पर उनका ऑप्शन लास्ट में रखें. आप अपने मेरिट पर आगे बढ़ने की बात रखें, ना कि ये कि सारी रिस्क, क्योंकि आपको मन में ये रहता है कि हमें पेरेंट्स को तो लौटाने नहीं होगा, और पेरेंट्स से भी राय देंगे. अगर आप अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो उसको लोन की तरह से दें. मैं तो यही कहूंगा कि जब तक अपने ऊपर विश्वास है आप पे, तभी आप इसके लिए जाइए. अपने ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है. जब अपने ऊपर विश्वास होगा तो आपको ये पता लगेगा कि दूसरा आपको वास्तव में रियली में हेल्प कर रहा है या आपके साथ चीटिंग कर रहा है. वो आप तभी पता लगा सकते हैं जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, यकीन होगा. अगला सवाल. हेलो सर, माई सेल्फ हर्षित झालानी. आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ स्टार्टअप. जी हाँ, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, स्टार्टअप के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं, एक तो ये सबसे पहले तो हमें कि क्या हम किस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, कहाँ से हमें आपको इसके बारे में एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी, कहाँ से हमें इसके बारे में फंडिंग मिलेगी, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं. और मार्केट में हम कहाँ तक सक्सेस होने के चांसेस क्या हैं, ये सब भी हमें देखना है. तो ये सारे पैरामीटर्स हमें स्टडी करके, और इसके लिए जैसा कि अभी बताया गया, इंक्यूबेशन सेंटर्स आर द बेस्ट सोर्स. वो हमें काफ़ी एक विश्वास दिलाते हैं कि हम अगर एक डायरेक्शन में कहीं गलत भी करेंगे तो वो हमें करेक्शन मीजर्स बताएंगे उसके. जी, अगला सवाल. नमस्कार सर, माय नेम इज़ आयुष अग्रवाल एंड माय क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्कोप ऑफ आर स्टार्टअप. जी, रीच बढ़ानी बहुत जरूरी है. जी हाँ, एक छोटे शहर से शुरुआत. वो मैं शुरुआत में ही सही कह रहा हूँ कि जब हम बढ़ते हैं तो इसमें इनफाइनाइट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं. तो ये हमें जब हम शुरू करेंगे, हमारे पास अभी एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का हमने लिया, लेकर के चले, मार्केट स्टडी किया, दूसरा हमें दिखाई दिया कि अगर हम इसको इस तरह से भी कर लें तो और ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं. तो स्टार्टअप में इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत. लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी. इमीडिएट हम ये ना सोचें कि आज नहीं, आज तो 10 रुपये मिले हैं, मुझे तो 1000 चाहिए थे. तो थोड़ा पेशेंस रखते हुए चलें तो बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं इसमें. जी, चलते चलते आखिरी सवाल. नमस्कार सर, मैं कैलाश सोनी. सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी संबंधित इस तरह की कोई वर्कशॉप जो गवर्नमेंट की तरफ से या ASET की तरफ से जो प्लानिंग हो रही है,
नियर फ्यूचर में, तो उससे संबंधित कोई जानकारी ताकि हम स्टार्टअप से रिगार्डिंग और अच्छे से जान सकें। जिसके बारे में जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारी वेबसाइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती हैं, और कोई भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं या दूसरी जगह पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, वो भी हम लोग अपनी वेबसाइट पर दे देते हैं। तो आपको हमारी AICT की वेबसाइट को आप देखते रहिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ORG पर आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सामने खुलकर आई है कि अब हमको बदलना पड़ेगा। देश तभी बदलेगा जब हम अपने आप को बदलेंगे, और वो तब होगा जब हम शिक्षा के माध्यम से अपने आप को इवॉल्व करेंगे, अपने समाज में जो भी नई समस्याएं हैं या समस्याएं हैं उनको जानकर उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और अपने लिए और अपने समाज के परिवार के लिए एक स्टार्टअप को सामने लेकर के आएंगे रादर देन बीइंग ए जॉब सीकर। प्रोफेसर मित्तल साहब, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल्ली से पूरा एक दिन इस काम के लिए निकाला है, उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आपका सहयोग इस तरह से मिलता रहेगा। It is really my pleasure that I could interact with so many students and they अगर इनमें से चार भी स्टार्टअप में सक्सेसफुल हो सकेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा आना बहुत सफल रहा। जी धन्यवाद, इस धन्यवाद इस जोरदार संदेश के लिए। दिशाएं में आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते नए विषय नए एक्सपर्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।